बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट ज्योमेट्री ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर। यू रिकॉल इन लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडी डिफरेंट मैट्रिक्स ऑपरेटर। वी हैव स्टडीड रिफ्लेक्शन ऑपरेटर, सिमिलरली रोटेशनल ऑपरेटर, डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सपेंशन एंड कॉम्प्रेशन ऑपरेटर। तो वी विल कंटिन्यू दिस स्टडी एंड स्टडी अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर विच इज़ कॉल्ड शेयर ऑपरेटर। ये जो शेयर ऑपरेटर है, ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑपरेटर ऑफ द फॉर्म टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई कॉमा वाई। तो ये जो हम आप अगर देखें यहाँ पर, तो ये ऑपरेटर क्या करता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को ट्रांसलेट कर देगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाई एन अमाउंट के वाई, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो फिक्स रहेगा। दिस ऑपरेटर लीव्स द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस फिक्स, बट एज वी प्रोग्रेस अवे फ्रॉम एक्स एक्सिस द ट्रांसलेशन डिस्टेंस इज इंक्रीजेस। वी कॉल दिस ऑपरेटर द शियर इन द एक्स डायरेक्शन बाई अ फैक्टर के। इसी तरीके से अगर हम इसको ट्रांसलेट करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इस केस में जो मैट्रिक्स ऑपरेटर होगा वो इस फॉर्म में होगा टी एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई प्लस के एक्स। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, वाई कोऑर्डिनेट को हमने ट्रांसलेट कर दिया है इन द वाई डायरेक्शन बाई अ फैक्टर के। तो ये जो है हमने ट्रांसलेट कर दिया फैक्टर। तो ये डिपेंड करेगा, अब अगर तो हमारे पास ये वैल्यू के की पॉजिटिव होगी तो शियर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, अगर हमारे पास के नेगेटिव होगा तो शियर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। हम इस टेबल से इसे देखते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट स्क्वायर है, ये यूनिट वेक्टर है 1 0, ये जो है वो 0 1 है, ये यूनिट स्क्वायर बनेगा। इसको अगर आप इस पे शियर ऑपरेटर यूज़ करें, तो अगर तो हमारे पास k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये दिस इज अलोंग द x डायरेक्शन, और यहाँ पर अब देखें अगर k ग्रेटर देन 0 है तो ये पॉइंट जो है वो फिक्स है, दिस विल ट्रांसलेट एंड दिस विल बिकम k1। तो ये x डायरेक्शन की तरफ होगी, और इसी तरह अगर k नेगेटिव हो तो ये जो पॉइंट है इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे यहाँ पर, ये पॉइंट जो है वो k1 बन जाएगा। तो दिस विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस शियर ऑपरेटर इन द एक्स डायरेक्शन। स्टैंडर्ड जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास ये 1 k 0 1। इसी तरह शियर इन द वाई डायरेक्शन, जब आप वाई डायरेक्शन में करेंगे तो अगेन हमारे पास अब ये जो कोऑर्डिनेट है ये फिक्स रहेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको हम ट्रांसलेट करेंगे बाय अ फैक्टर के। तो अगर के पॉजिटिव है तो हमारे पास ये इस क्वाड्रेंट में आएगा, के नेगेटिव है तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमारे पास शियर जो है वो डिपेंड करेगा, अगर ये एक्स डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव डायरेक्शन कब होगी, जब के जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अगर के लेस देन 0 है तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी। तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटर है वो हमारे पास 1 0 और k1, तो दिस इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटर। तो आप देखें ये इसी से हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स हमें शो कर रहा है कि ये फिक्स है और ये ट्रांसलेशन है अलोंग द एक्स डायरेक्शन बाय अ फैक्टर के। इसी तरह यहाँ पर ये ट्रांसलेशन है अलोंग द वाई डायरेक्शन बाय अ फैक्टर के। अफेक्ट ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेटर ऑन अ यूनिट स्क्वायर। अभी हम देखते हैं कि डिफरेंट मैट्रिक्स ऑपरेटर जो है वो यूनिट स्क्वायर पे किस तरह अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है इसमें 4 जो है वो मैट्रिक्स दिए गए हैं। अब देखें फर्स्ट मैट्रिक्स जो है इसमें जो कोऑर्डिनेट है 1 2 0 1 है, तो अगर आप इसको देखें तो दिस इज़ अभी लास्ट हमने देखा था कि ये स्टैंडर्ड ऑपरेटर है। इसमें आप देखें कि दिस इज द शेयर इन द एक्स डायरेक्शन बाय अ फैक्टर के। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो ये सेम वही मैट्रिक्स ऑपरेटर बन रहा है। तो दिस ए वन विल रिप्रेजेंट अ शेयर इन
the x direction by a factor k. तो ये factor जो है ये translate हो जाएगा by a factor 2. इसी तरह यहाँ पर भी ये भी shear है लेकिन ये negative direction में है. तो this will be a shear in the x direction by a factor minus 2. इसी तरह A3 में आप देखें ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है इनको हमने ये यूनिट स्क्वायर में ये कोऑर्डिनेट थे 1 0 0 1, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो दिस इज डायलेशन. तो डायलेशन में स्टैंडर्ड ऑपरेटर जो है इसमें, तो डायगनल जो है इनको हम k से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस इज डायलेशन. और सिमिलरली जो लास्ट है इसमें आप देखें ये कोऑर्डिनेट फिक्स है. सो दिस विल बी दी कॉम्प्रेशन. ये दो A4 जो है, अगर ये जो कोऑर्डिनेट जो है ये 2 से मल्टी, k इज ग्रेटर देन 1, तो दिस इज एक्सपेंशन. तो ये एक्सपेंड हो रहा है. तो ये ज्योमेट्रिकली हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास यूनिट स्क्वायर जो था वो ये था, हमने इसको एक्सपेंड किया, ये कोऑर्डिनेट ये ऐसे ही रहे अलोंग एक्स डायरेक्शन, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया बाय अ फैक्टर 2. तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ जाएगा. ट्रांसलेशन है ये 1 जो है बाय, जब 2 आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा. यूनिट स्क्वायर में नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ये था, इसको ट्रांसलेट करें तो यहाँ पर आ जाएगा. दिस इज ट्रांसलेशन. सिमिलरली नेगेटिव, जब आपके पास माइनस 2 फैक्टर होगा तो ये साइड पे चला जाएगा. तो यहाँ पर ये डायलेशन है. तो यूनिट स्क्वायर जो है वो आपके पास उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा. ये फर्स्टली ये था हमारे पास, ये यूनिट स्क्वायर है, तो हमने इसको ये कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 2 1. इसी तरह ये जो कोऑर्डिनेट है ये 2 2 बन जाएगा. तो दिस विल बिकम दिस, और ये कोऑर्डिनेट जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये तो देखिए आपके पास जो बॉक्स है उसको आपने वो बढ़ा दिया. इसी तरह से यहाँ पे एक्सपेंशन है, ये अलोंग जो है एक्स डायरेक्शन में है, तो अलोंग एक्स डायरेक्शन में ये एक्सपेंड हो गया. अलोंग वाई डायरेक्शन होता तो ये इस तरीके से एक्सपेंड हो जाता. तो ये इफेक्ट है मैट्रिक्स ऑपरेटर का और यूनिट स्क्वायर. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेटर जो है वो यूज किए गए. नेक्स्ट जो है वो हम ज्योमेट्री ऑफ मैट्रिक्स ऑपरेटर ऑन प्लेन देखेंगे. जनरली इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर ग्राफिक्स इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड नॉट ओनली हाउ लीनियर ऑपरेटर ऑन आर स्क्वायर एंड आर क्यूब अफेक्ट इंडिविजुअल वेक्टर बट आल्सो हाउ दे अफेक्ट 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल रीजन. दिस इज़ द फोकस ऑफ दिस लेक्चर. देखें कि जब हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है कि अब देखिए आर स्क्वायर में हमारे पास पॉइंट्स हैं, लाइन है, इसी तरीके से आर क्यूब में हमारे पास पॉइंट है, लाइंस हैं, प्लेन्स हैं. तो हमने देखना है कि जो मैट्रिक्स ऑपरेटर है जब वो किसी पॉइंट पर अप्लाई होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, जब वो किसी लाइन पर वो ऑपरेट होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा. तो ये चीज़ें, क्योंकि जैसे ही इनके इफेक्ट का हमें पता चलेगा तो हम जो है उसकी ग्राफिक जो है उसके बारे में भी देख सकते हैं. जैसे ये रीजन है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रीजन, तो इस फिगर में ये बताया गया है कि किस तरीके से पिक्चर जो है वो उसको हम जो है वो चेंज करते हैं. तो फर्स्ट पिक्चर जो है ये फेमस पिक्चर है अल्बर्ट आइंस्टाइन की, ये स्कैन पिक्चर है. तो फर्स्टली अगर हम इसको रोटेट करें तो दिस विल बी, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ये एक्स वाई क्वाड्रेंट में है. तो इसको जब हमने रोटेट किया थ्रू सम एन एंगल तो ये इस तरह की शेप दे देगा. अब अगर इसी को अगर हम जो है वो इसको शेयर हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और इसे वर्टिकली भी कर सकते हैं. शेयर हॉरिजॉन्टली मीन कि ये जो आपके पास पॉइंट है फर्स्ट, ये अलोंग एक्स एक्सिस ये फिक्स है. अब ये जो पॉइंट है इनको आपने ट्रांसलेट कर देना है पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये जो पॉइंट है ये ट्रांसलेट होके सपोज के ये यहाँ पर आ गया और ये पॉइंट जो है वो ट्रांसलेट होके यहाँ पर आ जाएगा. तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये इस तरह से शेप बनेगी. इसी तरह से शेयर्ड आप वर्टिकली भी कर सकते हैं. यहाँ पर ये कंप्रेस्ड हॉरिजॉन्टली, आप देखें कि अलोंग वाई एक्सिस जो है वो उसका साइज वही है. तो आपने
ये जो आपके पास शेप है आपने इसको इस तरीके से कंप्रेस कर दिया है, जैसे आप कोई हैवी जो चीज़ को अगर आप ऐसे दबाते हैं तो वो कंप्रेस हो जाती है, इसी तरह आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो ये कंप्रेशन है अलोंग हॉरिजॉन्टली, इसी तरीके से आप इसे वर्टिकली भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है किस तरीके से शेप जो है वो पिक्चर जो है वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट आप देखते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में इस तरह से डिफरेंट ग्राफिक्स बनाते हैं जिसमें ये डिफरेंट ऑपरेटर्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। अब अगेन मैंने आपको पहले बताया था कि ये इफेक्ट जो है लीनियर ऑपरेटर्स का R2 पे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये जो मैट्रिक्स ऑपरेटर है ये किसी यूनिट स्क्वायर जो है उसके पॉइंट्स को किस तरह अफेक्ट करते हैं, उसकी लाइंस को किस तरह अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ये देखें इस फिगर में से, ये हमारे पास यूनिट स्क्वायर है, इसके ये कोऑर्डिनेट 0 0 हैं, दिस इज 1 0 1 1 और ये 0 1। तो अगर आप इसको रोटेट करें यूनिट स्क्वायर को थ्रू सम एन एंगल, तो सपोज के एंगल थीटा पे आपने रोटेट कर दिया तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आपके पास पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से ये सारी की सारा स्क्वायर जब आप रोटेट करेंगे तो इस तरह की ये शेप बनेगी। इसी तरह अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ये आपने अलोंग जो है वो वाई एक्सिस, दिस इज योर रिफ्लेक्ट, ये आपके पास एक्सिस है जिसकी आप इसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होके आपको यहाँ पर नज़र आएगी इस तरीके से। तो वहाँ पर क्या होगा कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला इस साइड पे आ जाएगा। तो ये देखें साइड्स जो है वो बताई गई, तो दिस वन विल बिकम, ये साइड यहाँ पर आ जाएगी, ये साइड जो है वो यहाँ पर आ जाएगी 2, और इसी तरह से ये 3 और ये 4। सिमिलरली अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करते हैं अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स इज दिस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये दिखाया गया, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। जब आप इसे रिफ्लेक्ट करेंगे अलॉन्ग दिस लाइन, तो ये वाला जो ये जो आपके पास लाइन है ये कोऑर्डिनेट जो है अब ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये साइड जो है वो 1 बन जाएगी। इसी तरह से ये जो है साइड, ये एडजेसेंट है इस साइड के, तो इसके साथ एडजेसेंट साइड ये है, तो दिस विल बिकम साइड 2 और ये साइड जो है वो 3 बन जाएगी एंड दिस इज 4। दिस थ्योरम जो है ये हमें बताता है इफेक्ट किसी भी ऑपरेटर का। तो इफ टी इज ऑपरेटर फ्रॉम आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर इज मल्टीप्लीकेशन बाई एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, देन द इमेज ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब किसी ऑपरेटर को आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से ऑपरेट करते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन का इमेज है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगी। द इमेज ऑफ अ लाइन थ्रू द ओरिजन इज अ लाइन थ्रू द ओरिजन। द इमेज ऑफ अ पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स। द इमेज ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पी एंड क्यू इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द इमेजेस ऑफ पी एंड क्यू। द इमेजेस ऑफ थ्री पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन इफ एंड ओनली इफ द पॉइंट देमसेल्व लाई ऑन अ लाइन। तो ये देखें इस रिजल्ट की मदद से ये हमें बताता है कि जब भी कोई लीनियर ऑपरेटर जो है वो किसी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से ऑपरेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर ये इफेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो इमेज है उसके बारे में ये हमें बता रहा है। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 2 1 1। तो अकॉर्डिंग टू द लास्ट रिजल्ट द इमेज ऑफ अ लाइन इज अ लाइन। तो जब ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो दिस मैप्स द लाइन वाई इज इक्वल टू 2x+1 इन टू अनदर लाइन, फाइंड इट्स इक्वेशन। फ्रॉम लास्ट इक्वेशन हम ये जानते हैं कि कोई भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है वो उसका इमेज जो है वो लाइन पर ही मैप होगा। तो अब हम उसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो सपोज एक्स वाई बी अ पॉइंट ऑन द लाइन वाई इज इक्वल टू 2x+1 एंड एक्स डैश वाई डैश बी इट्स इमेज अंडर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए। तो
इस ए को जब आप एक्स से ऑपरेट करेंगे तो ये उसका इमेज है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्वर्टिबल है, तो यहाँ से आप एक्स वाई वाई के कोऑर्डिनेट निकाल लें, यहाँ से इक्वेशंस दो आ जाएंगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस वाई डैश, वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स डैश प्लस थ्री वाई डैश, और यहाँ से आप इसे सॉल्व करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस लाइन जो है इसके उसको जब आप इस मैट्रिक्स ए जो है वो इस लाइन पे जब आप मैप करते हैं, मैप करने का मतलब मैट्रिक्स ए को इससे करते हैं, तो हमारे पास अनदर लाइन आएगी। किस तरीके से, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो थ्योरम है इसको हमने अप्लाई किया है कि किसी भी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है उसको अप्लाई करते हैं तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का इमेज एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। सिमिलरली बाकी सारी चीज़ें भी ट्रू होंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट स्क्वेयर, इस एग्जांपल में हम देखते हैं यूनिट स्क्वेयर जो है उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ये यूनिट स्क्वेयर है, इसमें ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमने देखना है। अब ये मैट्रिक्स ए को हम बारी बारी ये जीरो जीरो से पहले, पहला पॉइंट जो है इस यूनिट स्क्वेयर का वो जीरो जीरो है, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो फिर इससे देखते हैं उसका क्या अफेक्ट होता है। जब जीरो जीरो से मल्टीप्लाई करें तो इट मीन के ये कोऑर्डिनेट यही रहेगा। जब इस मैट्रिक्स को आप वन जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स जीरो टू आ जाएगा। तो हमारे पास इट मीन के ये जीरो वन, जब आप इस पे मैट्रिक्स ए ऑपरेट करते हैं तो इसका ये इस पॉइंट को जीरो टू बना देगा। इसी तरीके से वन जीरो जो है अंडर दिस मैट्रिक्स ऑपरेशन ये वन वन बन जाएगा, और ये पॉइंट वन वन जो है वो वन थ्री बन जाएगा। तो अब ये जो नई फिगर है ये पैरेललोग्राम बन गई है, तो इट मीन के ये ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो दिस यूनिट स्क्वेयर आफ्टर इसका जो इमेज है अंडर द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए जो है, तो जो इसका इमेज है वो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका अफेक्ट देख सकते हैं। एग्जाम्पल थ्री में भी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो यूनिट स्क्वेयर की बताई गई है। फर्स्ट ए पार्ट है, फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ फॉर द ऑपरेटर ऑन आर स्क्वेयर दैट फर्स्ट शेयर्ड बाय अ फैक्टर ऑफ टू इन द एक्स डायरेक्शन एंड देन रिफ्लेक्ट द रिजल्ट अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स। स्केच द इमेज ऑफ द यूनिट स्क्वेयर अंडर द ऑपरेटर। सिमिलरली बी पार्ट जो है वो उसमें पहले जो है वो आपने रिफ्लेक्शन करनी है अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स एंड देन शेयर बाई अ फैक्टर ऑफ टू इन द एक्स डायरेक्शन, स्केच द इमेज। और सी पार्ट में देखना है कि क्या ये दोनों फिगर्स कम्यूट करती हैं। तो पहले पार्ट को मैं, पहले तो है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, ऑलरेडी हम देख चुके हैं टेबल में, हमने देखा था कि ये इसके स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। ए वन जो है ये शियर है, द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर शियर, ये कोऑर्डिनेट फिक्स होते हैं। दिस विल ट्रांसलेट बाय इन द एक्स डायरेक्शन बाय अ फैक्टर टू। रिफ्लेक्शन जो है ऑपरेटर उसमें ये हम जो यूनिट स्क्वेयर है उसमें जो ऑपरेटर है वन जीरो जीरो वन होता है, तो इसमें ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अब अगर ए टू ए वन को आप देखें तो जो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी अ मैट्रिक्स, रिजल्टिंग मैट्रिक्स। सिमिलरली ए वन ए टू अगर आप मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी अ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दो, ये दोनों जो है वो कम्यूट नहीं करते। ए वन ए टू इज नॉट इक्वल टू ए टू ए वन। तो हम ज्योमेट्रिकली अब देखें तो ये जो फर्स्ट जो है ए पार्ट, पहले आपने इसको यहाँ पर आपने जो है वो इसको शेयर ऑपरेटर यूज़ किया, उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन ऑपरेटर इस यहाँ पर जो है वो वाइस वर्सा है। तो ये यूनिट स्क्वेयर है, तो सबसे पहले लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स पे आपने इसको रिफ्लेक्ट किया, तो ये वाला पार्ट जो है वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद शेयर्ड इन द एक्स डायरेक्शन बाय अ फैक्टर टू। तो इसमें क्या है कि ये कोऑर्डिनेट जो एक्स एक्सिस पर हैं ये फिक्स रहते हैं। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट को बाय अ फैक्टर टू, तो ये इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, ये कोऑर्डिनेट थे जीरो वन, तो दिस विल बिकम ये पॉइंट बन जाएगा। इस तरह ये वन जो है इसको आपने बाय टू इसे ट्रांसलेट किया, तो वन जो है वो थ्री बन जाएगा और कोऑर्डिनेट जो है वो थ्री वन बन जाएगा। तो ये हमारे पास
ज्योमेट्रिकल इफेक्ट है। इसी तरह से अगर आप इसको पहले इस यूनिट स्क्वायर को पर शियर ऑपरेटर यूज करें इन दी एक्स डायरेक्शन बाय अ फैक्टर के, फिर उसे रिफ्लेक्ट करें, तो हमारे पास ये इस तरह से ये यूनिट स्क्वायर ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगा। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, उनका इफेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं। सिमिलरली ज्योमेट्री ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑपरेटर, इस लास्ट एग्जांपल में हमने देखा है कि यूनिट स्क्वायर जो है, नार स्क्वायर ऑफ में हमने शियर और रिफ्लेक्शन ऑपरेटर जो है उनको यूज़ किया है। तो ये असल में कंपोजिशन है शियर और रिफ्लेक्शन ऑपरेटर की। अब न्यू नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम किस तरह से एक 2x2 मैट्रिक्स को डीकम्पोज करते हैं इनटू प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, और फिर देखते हैं कि उनका ज्योमेट्रिक इफेक्ट क्या होगा मैट्रिक्स ऑपरेटर पे। एक मैट्रिक्स है, एक 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, उसको हमने डीकम्पोज कर दिया मैट्रिसेस में। अब वो देखना है कि उनका ज्योमेट्रिकली क्या इफेक्ट हो। तो ये थ्योरम से, ये पहले ये हमारे पास ये ऑपरेटर है, ये टेबल जो है इसमें सारा बताया गया है कि रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस है, तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ये है, ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ये है, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, फिर उसका ज्योमेट्रिकल इफेक्ट। कि यूनिट स्क्वायर जो है, जब आप उसको उसको रिफ्लेक्ट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो ये उसकी ज्योमेट्रिकल शेप बन जाएगी और कॉरिस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है वो ये है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे रोटेशन है, इसी तरह कॉम्प्रेशन है इन दी एक्स डायरेक्शन। ये टेबल जो है कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों के बारे में बता रहा है, एक्सपेंशन इन दी वाई डायरेक्शन, फिर शीयर है, शीयर इन दी एक्स डायरेक्शन, शीयर इन दी नेगेटिव डायरेक्शन एक्स, तो ये सारा जो है वो इफेक्ट जो है वो बता रहा है। तो ये थ्योरम जो है ये हमें बताएगा कि जब आप एक के पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई हो, एलिमेंट्री मैट्रिक्स रिकॉल करें तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम ऑब्टेन कर लें बाय वन सिंगल ऑपरेशन। क्या आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक सिंगल ऑपरेशन से एक मैट्रिक्स जो है वो बना सकते हैं, उसे हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, इफ ई इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स देन दिस ऑपरेटर इज वन ऑफ द फॉलोइंग, अ शियर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अ रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, अ कंप्रेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड एक्सपेंशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अ रिफ्लेक्शन अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड अ कंप्रेशन और एक्सपेंशन अलोंग अ कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉलोड बाय अ रिफ्लेक्शन अबाउट अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो है वो R2 में हम देख रहे हैं। तो अब देखें R2 में जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स है, तो और एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसा होता है जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एक रो ऑपरेशन से आप फाइंड आउट कर सकें, तो इसकी शेप ये हो सकती है। यहाँ पर आप देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप ये ऑब्टेन कर सकते हैं भाई, इसी तरीके से या इसकी शेप ये हो सकती है, यहाँ ये हो सकती है, तो ये और पॉसिबल केसेस है। फर्स्ट टू जो मैट्रिसेस हैं इनको अगर आप देखें तो दिस इज एक्चुअली द शियर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज अलोंग, दिस इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज इन द वाई डायरेक्शन, और ये जो है ये रिफ्लेक्शन है। दिस ऑपरेटर इज रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स, एंड दिस दीज टू ये जो है ये हम डिपेंड करेगा के की वैल्यू पे, तो ये कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो दीज लास्ट टू मैट्रिसेस विल रिप्रेजेंट कंप्रेशन और एक्सपेंशन। और इसी तरह से इफ के इज लेस देन 0 तो ये डिफरेंट जो है वो कंप्रेशन और एक्सप्रेशन की डिफरेंट ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये जो है हमने एलिमेंट्री मैट्रिक्स 2x2 एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है उसका इफेक्ट देखा है कि वो उसकी वो किस किस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये जो मेन थ्योरम है ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑपरेटर इज इफ टी ए
is multiplication by a ये by an invertible matrix A. कि हम invertible matrix A से अगर multiply करें then the geometric effect of T A is the same as an appropriate succession of shear expression expansion and reflection. ये last theorem को ही use करते हुए ये theorem जो है इसको drive किया गया है. विदाउट प्रूफ है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. इन एग्जाम्पल टू वी इलस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द यूनिट स्क्वायर बाय मल्टीप्लीकेशन. हमने एग्जाम्पल टू में ये किया था. अब इसको हम एक्सप्रेस करेंगे दिस मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस एंड देन डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय ए इन टर्म्स ऑफ शियर एक्सप्रेशन एक्सपेंशन एंड रिफ्लेक्शन. तो इस एग्जाम्पल की मदद से हम थ्योरम 4.11.3 को समझते हैं. सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स ए को एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में लिखेंगे और फिर देखेंगे कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देखें, ये हमारे पास मैट्रिक्स है. आप इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो मिल जाता है. तो हमने सबसे पहले इसे इसमें से एलिमेंट्री ऑपरेशन एलिमेंट्री जो है वो मैट्रिक्स ढूंढने हैं. देखिए, ये मैट्रिक्स E1 जो है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है. ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सिंपली इंटरचेंजिंग दी रोज. इसी तरह E2 जो है ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है. आप इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाएगा. सिमिलरली E3 भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है. आप मैट्रिक्स से ये सेक्शन 1.5 में हमने ये चीज़ें की हुई हैं. मैट्रिक्स ए जो है वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं E1 इनवर्स E2 इनवर्स E3 इनवर्स. अब आप E1 इनवर्स जो है वो अगर फाइंड आउट करें तो ये यही 2x2 के लिए भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे E2 का जो डिटर्मिनेंट है वो 1/2 है तो ये जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी. तो दिस विल बिकम 2, दिस इज़ 1 और ये 0 0 बन जाएंगे. इसी तरह यहाँ पर ये E3 का इन्वर्स है, ये भी डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं. तो अब हम देखें, अब पहला स्टेप क्या था कि मैट्रिक्स ए को एलिमेंट्री मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में लिखना. तो ये हमने मैट्रिसेस की प्रोडक्ट में लिख दिया. अब हम देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये जो लास्ट है इसमें आप देखें ये दोनों कोऑर्डिनेट फिक्स हैं. तो दिस इज़ एक्चुअली अ शियर अलोंग द एक्स डायरेक्शन बाय अ फैक्टर 1/2. और सिमिलरली ये जो है मैट्रिक्स इसमें आप देखें तो दिस विल रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन. ये क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द एक्सपेंशन इन द एक्स डायरेक्शन बाय अ फैक्टर 2. और ये जो है इसमें हम रिफ्लेक्शन यूज कर रहे हैं अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स से एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो है कोई ऐसा मैट्रिक्स जो कि हमारे पास इन्वर्टिबल हो तो उसका ज्योमेट्रिकल इफेक्ट देख सकते हैं. तो पहले हम उसको एलिमेंट्री मैट्रिसेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि वो ज्योमेट्रिकली किस ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये इसकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं. ये आपके पास यूनिट स्क्वायर था तो ये पहले ऑपरेटर ये हमने यूज़ किया. देखिए, ये हमारे पास शेयरिंग बाई अ फैक्टर 1/2, देन एक्सपेंडिंग बाई अ फैक्टर ऑफ 2 एंड देन रिफ्लेक्टिंग अबाउट y इज इक्वल टू x. तो ये हमारे पास शेप बन जाएगी. ट्रांसफॉर्मेशन विद डायगनल मैट्रिसेस. डिस्कस द ज्योमेट्रिकल इफेक्ट ऑन द यूनिट स्क्वायर ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाई अ डायगनल मैट्रिक्स. तो डायगनल मैट्रिक्स पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो अप्लाई करेंगे तो क्या उस पर इफेक्ट होगा. देखें, आप मैट्रिक्स ए क्योंकि इन्वर्टिबल है आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्रोडक्ट में. अब जो ये वाला मैट्रिक्स है दिस इज कॉम्प्रेशन आर एक्सपेंशन डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ K1. और इसी तरीके से ये एक्स डायरेक्शन में है. इसी तरीके से ये जो मैट्रिक्स है ये भी एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ यूनिट स्क्वायर है इन द वाई डायरेक्शन. तो ये ज्योमेट्रिकली कोई भी डायगनल मैट्रिक्स हो आप उसको हमेशा ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस विल रिप्रेजेंट ये कंप्रेशन है या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन K1.
दिस इज इन द एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज इन द वाई डायरेक्शन। ये इसी तरह से रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजन, जब आप रिफ्लेक्शन ऑपरेटर यूज़ करते हैं अबाउट द ओरिजन, तो इस केस में हमारे पास ये जो है वो यूनिट स्क्वायर है। तो आप आफ्टर ऑपरेटिंग दिस रिफ्लेक्शन ऑपरेटर आप इसे बारी बारी अप्लाई करें, मैट्रिक्स ए को 1 1 से मल्टीप्लाई करें, ये कोऑर्डिनेट जो है 1 0 है, ये कोऑर्डिनेट 0 1 है, तो आफ्टर अप्लाइंग द मैट्रिक्स से ये आपके पास न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। और इसी तरीके से आप रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स जो है वो अगर फाइंड आउट करें, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है ये उसकी शेप ये बन जाएगी। तो दिस इज अ लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये जो है अबाउट द मैट्रिक्स ओरिजिन है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन अबाउट द ओरिजिन है और यहाँ पर रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, तो फर्स्ट 7 जो एक्सरसाइजेज हैं ये एग्जांपल 1 टू फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द इमेज ऑफ द लाइन, डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं ये आपने करनी है। इसी तरह से ये कुछ और हैं, तो एक्सरसाइजेज का पर्पज़ ये है कि आप सारे जो है वो इसे जितने भी हमने यहाँ पर डिफरेंट इफेक्ट्स देखे हैं मैट्रिक्स ऑपरेटर के, उनको समझ सके और ज्योमेट्रिकली उनकी जो फिगर्स हैं ज्योमेट्रिकली उनको एक्सप्रेस कर सकें।